सबको हंसाने वाली सतीश कौशिक परिवार और दोस्तों को दुखी कर गए। उनके निधन से बॉलीवुड में मातम पसरा है। 66 साल भी कोई जाने की उम्र होती है क्या? दोस्तों को यकीन नहीं हो रहा है कि सतीश ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली है। वहीं सतीश कौशिक के घर उनके परिवार की हिम्मत बढ़ाने कई सेलेब्स पहुंचे। एक्टर के घर रिश्तेदारों और सेलेब्स के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। शिल्पा शेट्टी ने सतीश कौशिक के साथ कई फिल्मों में काम किया है और उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए वो उनके घर पहुंची। सतीश कौशिक के अंतिम दर्शन को अभिषेक बच्चन भी उनके घर पहुंचे। सतीश हमेशा से ही बच्चन परिवार के करीबी रहे और जब उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा तो अभिषेक हिम्मत बढ़ाने पहुंचे। वहीं रणबीर कपूर भी दोस्त अयान मुखर्जी के साथ सतीश कौशिक को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। सतीश कौशिक के निधन के बाद उनके घर में कई जानी मानी फिल्मी हस्तियों का जमावड़ा लग गया। वहीं अर्जुन कपूर और संजय कपूर भी उन्हें आखिरी विदाई देने पहुंचे। आपको बता दें कि सतीश कौशिक अनिल कपूर के पक्के दोस्त हैं। अनिल फिलहाल विदेश में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। ऐसे में उनके परिवार के लोग सतीश की बेटी और पत्नी की हिम्मत बढ़ाने पहुंचे। अनिल के बड़े भाई बोनी कपूर भी सतीश के परिवार से मिलने पहुंचे। सतीश कौशिक के परिवार के दुख में शामिल होने अलका याग्निक भी पहुंची। काफी देर तक वो सतीश के परिवार के साथ मौजूद रही। जावेद अख्तर भी सतीश कौशिक के निधन के सदमे में है। 7 मार्च को सतीश उनके घर होली खेलने पहुंचे थे और अगले ही दिन वो चल बसे। इस गम के वक्त में वो जिगरी यार के घर पहुंचे। सतीश कौशिक के निधन की जब खबर आई तो दुख की उस घड़ी में उनके परिवार की हिम्मत बढ़ाने सबसे पहले अनुपम खैर पहुंचे थे। अनुपम को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका बेस्ट फ्रेंड चला गया। हेल्प ने उठाया और मैं सोया हुआ था तो उन्होंने कहा सतीश जी, तो मुझे लगा सतीश जी रात को 2 बजे घर आए। मैंने कहा बिठाओ मैं आ रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि नहीं सतीश जी चले गए। मेरे परसों तो घर पर आए थे मेरे बर्थडे पे रात को खाना खाने, और बड़ा मुश्किल है ऐसा दोस्त मिलना, ऐसा इंसान मिलना। अभी तो हम सब सदमे में हैं, मुश्किल है इस बात को कितने साल लगेंगे ये महसूस करने में कि वो नहीं है। मैं जुलाई 75 में उनसे मिला था जब वो ड्रामा स्कूल में मेरे क्लास पे मेरे बेंच पे बैठे थे, और परसों रात तक हम साथ में थे। कल शाम को मेरी उनसे 8 बजे बात हुई और उन्होंने कहा मैं कल आता हूँ, फिर मिलते हैं। उनके साथ रोज पार्क में वॉक करने वाले संगी साथी भी सदमे में है। सतीश के निधन ने उनके दिल को तोड़ दिया है। कहाँ रोज सभी दोस्त मिलकर पार्क में खूब हंसी मजाक करते थे, दोस्तों की आंखें भी उन्हें याद कर नम हो गई। लेकिन अभी मैं अचानक सुबह न्यूज मिलते ही एक झटका सा लगा कि बहुत बड़ा लॉस जो है ना। बब्बू भाई ने बताया मुझे कि सतीश जी चले गए। मैंने कहा अभी तुम्हारे देखा था नहीं। फिर इन्होंने बताया कि कल उन्होंने उसकी होली की फोटो भी डाली हुई है। तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक नुकसान, मतलब इतना बड़ा है इंडस्ट्री के लिए। और मैं तो उनका बहुत ही मुरीद हूँ। अभी पीछे ये नॉर्मली हम जो है यहीं पे सैर करते हुए अक्सर उस टॉपिक के ऊपर नहीं जो काम के टॉपिक के ऊपर ही करते थे, जनरल बातचीत जो है यहाँ पे ज्यादा होती है। बहुत ही नेक इंसान थे। गार्डन में यही वो यही टहला करते थे रोज, मतलब डेली, और काफ़ी लंबा वॉक करते थे वो। मतलब जब हम लोग निकल भी जाते थे, निकलने का टाइम होता था, लेकिन वो सतीश कौशिक को अंतिम विदाई देने प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा भी पहुंची। दुख की इस घड़ी में वो एक्टर के परिवार का दर्द बांटने पहुंची। फिल्मी स्टार और पॉलिटिशियन राज बब्बर ने भी सतीश कौशिक के अंतिम दर्शन किए। एक्टर के निधन से वो बहुत दुखी दिखे। सतीश कौशिक के आकस्मिक निधन ने रजा मुराद को भी हिलाकर रख दिया। दुख की इस घड़ी में परिवार से मिलने रजा मुराद भी पहुंचे। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिंदा रहने में
और जिंदगी जीने में बड़ा फर्क होता है। कुछ लोग जिंदा रहते हैं, कब आते हैं कब जाते हैं पता नहीं चलता, और कुछ लोग भरपूर जिंदगी जीते हैं। सतीश कौशिक उनमें से एक थे। अकेले आए मुंबई, उनके पास कोई सिफारिशी खत नहीं था, अगर कुछ था तो उनका टैलेंट था, उनका कॉन्फिडेंस था, और उसी के बलबूते पे सतीश ने एक बहुत अच्छी जगह बनाई इंडस्ट्री में, बतौर एक्टर, बतौर राइटर, बतौर डायरेक्टर। और जो सबसे खास बात उनमें ये थी, इतने खुश मिजाज और हंसमुख थे कि सेट पर आते थे तो माहौल ही बदल जाता था, हंसी के फव्वारे छूट जाते थे। हमेशा लाइट मूड में रहते थे, आंखों में एक शरारत होती थी, एक चमक होती थी, चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती थी। सतीश कौशिक के घर राकेश रोशन भी दिखाई दिए। एक उम्दा कलाकार के निधन से राकेश रोशन बहुत बहुत दुखी दिखे। इसके अलावा जॉनी लीवर, राखी सावंत, फरहान अख्तर, सतीश शाह समेत बॉलीवुड के कई हस्तियां सतीश कौशिक के घर दिखाई दी। बता दें कि सतीश कौशिक सिर्फ 66 की उम्र में चल बसे। सतीश कौशिक 7 तारीख को मुंबई में होली मनाने के बाद 8 मार्च को अपने परिवार संग दिल्ली में होली मनाने पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें बेचैनी महसूस होने लगी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में एडमिट भी कराया गया। डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन अफसोस, सतीश ने दम तोड़ दिया। सतीश कौशिक का दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में पोस्टमार्टम भी कराया गया। अब उनके पार्थिव शरीर को मुंबई ले जाया जाएगा। इसके बाद आज ही उनका अंतिम संस्कार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।